Good morning, students. आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में हम सेकेंडरी ग्रुप कर रहे हैं. सेकेंडरी ग्रुप में हम आज पढ़ेंगे एनिमल या ग्रोथ थिंग्स. एनिमल मतलब वार्षिक पर प्लांट जो होता है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो मौसम के अनुसार अलग अलग होगी. ट्रॉपिकल एरिया में तो समान होगी लेकिन ऐसे एरिया टेम्परेट एरिया में अलग अलग मौसम के अनुसार स्प्रिंग ऑटम इसके अनुसार अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है या सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो ये जो वुड है ये किस तरह से बनेगी और इन वुड को संबंधित रूप से क्या नाम देंगे ये हम पढ़ेंगे. तो जो बहुवर्षीय पादप है उसमें जो प्रतिवर्ष कैम्बियम की सक्रियता से विद्युत जाइलम के घेरे का निर्माण होगा और बाहर की तरफ जो जो बनेगा उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे. तने के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई देंगे. ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है ये हमें इनको वार्षिक पदक कहा जाता है. टेम्परेचर में या कभी कभी ट्रॉपिकल जो एरियाज में तापमान परिवर्तन के कारण पादपों में क्रिया सामान्य रूप से बसंत में ग्रीष्म काल में नई कलिकाएं बनती हैं और नई शाखाएं बनती हैं जिनके लिए खनिज और जलापूर्ति के लिए अधिक वातावरण की आवश्यकता होगी तथा एधा इस मौसम में अधिक एक्टिव रहेगी. इस समय बनी और परिवर्तित वालिकाएं अधिक व्यास वाली होती हैं तथा अधिक काष्ठ बनाती हैं. इनकी कोशिका वृद्धि कष्ट काष्ठ में बने जाइलम तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है. इसके विपरीत जो ऑटम होता है पतझड़ या शरद ऋतु इसमें एधा जो होगी वो कम क्रियाशील होगी और इसमें जो वाहिकाएं वाहिनी तत्व है वो छोटे तथा मोटे युक्त कम व्यास के बनेंगे कम मात्रा में बनेंगे. तो इस कारण जो स्प्रिंग में बने हुए फूड है उसको तो कहते हैं स्प्रिंग फूड और पतझड़ या शीत ऋतु में बनी हुई जो फूड है उसको कहते हैं ऑटम या ले. ये दोनों ऑटम एंड स्प्रिंग दोनों मिलकर एक वलय का निर्माण करते हैं जिसको हम वार्षिक वलय कहते हैं. एक वर्ष में दो महीने क्योंकि ऑटम का भी एक ही सीजन आता है और स्प्रिंग का भी एक ही सीजन आता है तो दोनों मिलकर एक वार्षिक वलय बनाते हैं. परंतु कुछ पादप ऐसे हैं जैसे टेम्परेट से पीला इसे एक वर्ष में दो वार्षिक वलय बनती है और इन वलयों की संख्या के आधार पर इनकी एज का भी पता लगाया जा सकता है. तो एज का पता लगाने के लिए जो अलग से जो ब्रांच है उसको हम कहेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी. हिंदी में इसे कहेंगे वृक्ष कालानुक्रमण. लाइट ब्राउन
ईमान के लिए उसकी उत्पत्ति उससे किया जाता है क्योंकि दस राष्ट्र की अपेक्षा यदि टिकाऊ होती है। इसमें जल मंड तथा संचित भोजन के अभाव में कवक कीड़े इत्यादि नहीं लगते। फिनोल टाइलोसिस ड्रॉ गोंद इत्यादि के कारण विभिन्न जीवों द्वारा छेक के प्रति भी ये प्रतिरोधक होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्काष्ट व्यंजन में पाए जाते हैं जैसे हिमेटोजाइलम कंपेचिन से हिमेटोजाइलम बनता है और रस काष्ट का उपयोग जो है वो पल्प बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है टाइलोसिस। गुब्बारे की समान संरचना बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे टाइलोसिस। ये गुब्बारे नुमा संरचना जो होती है ये पेरिकाइनेटल सेल्स की बनी होती है तथा वाहिका वाहिनिकाओं के मध्य उपस्थित फिट पेयर में से होकर उसमें प्रवेश करती है। मधुमेह की कोशिकाओं के केंद्र तथा जीव द्रव्य टाइलोसिस में स्थानांतरित हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें गोंद इत्यादि भी होते हैं। ये पकी भित्ती युक्त तथा कभी कभी लिग्निन स्थूलों के कारण ये मोटे भित्ती युक्त भी हो जाते हैं। एक वाहिका में इनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। ये नॉर्मली पुष्प के पादपों के हार्डवुड में पाए जाते हैं क्योंकि वो हार्डवुड जो होती है वो डेड हो जाती है। ये कुछ हद तक अधिकतर हवा पानी कवक इत्यादि को वाहिका तथा वाहिनिकाओं में एंटर करने से भी रोकते हैं। कभी कभी शाक के पादपों में टाइलोसिस हो जाते हैं तो ये आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये पूरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद में हम एनामलस जो सेकेंडरी ग्रोथ है जैसे हमने प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी थी एनामलस वैसे ही हम सेकेंडरी ग्रोथ भी एनामलस पढ़ेंगे आगे।